बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। फाइनली आज हम एक और मूवी का ट्रेलर देखने जा रहे हैं और इस साल में ट्रेलर आना शुरू हो गए हैं और हमें भी खुशी हो रही है। सही बात है, बाकी ट्रेलर्स को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और आज जो ट्रेलर हम देखने जा रहे हैं वो है, उसका टाइटल है रूही, मर्द को ज्यादा दर्द होगा। पता नहीं की कम ग्रान लगे नहीं और अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में है जानवी कपूर, राजकुमार राव, वरुण शर्मा, एलेक्स ओनील, पंकज त्रिपाठी जी, सीमा और रोनित रॉय और आमना शरीफ। वैसे कास्ट बहुत अच्छी है, कास्ट को हम लोग जानते हैं, तो आए हो के मूवी भी अच्छी हो, ट्रेलर देख लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं रूही, द मैजिक ऑफ सिनेमा रिटर्न्स। चुड़ैल है चुड़ैल, और वहां भी बुढ़िया पहरी। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो। रूजी रूजी, छुपन छुपाई खेल लिया हमारे साथ रूजी। टोटला नहीं हूँ मैं, बस टाको टा बोलता हूँ। तगड़ सिंह ने टंग होके टगड़ी कमर पे टगड़ी बांध के टांग टकाई, अटकता नहीं एकदम से। खौफनाक सा आया है, कुछ करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। मगई जोड़ा 780, कत्था भर के चूना कम सूखी सुपारी 2 लो। को चुड़ैल से मर रखी, या चुड़ैल से पीछे छुड़ानो मुश्किल नहीं असंभव है। मुड़िया पैरी से पीछा तभी छूटेगो जब लड़की की शादी होगी, और शादी ना हुई तो मृत्यु। मुझे तो मोहब्बत होली भाई, अब अगर जे भी मुझे लव यू टू करती ना तो पलट के जरूर देखेगी। पलट नहीं, पलट नहीं। कितने क्यूट होंगे हमारे बच्चे। बात करें इस ट्रेलर की तो काफी मजे का ट्रेलर था, लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो काफी ज्यादा ट्विस्ट लगा मैं स्टोरी में। मैं ये कहूंगी कि हम लोगों को पहले इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ट्रेलर देखते जा रहे थे तो मुझे स्त्री की बहुत ज्यादा झलक इसमें नजर आई। यानी कि मूवी बनाने का थोड़ा स्टाइल मुझे उसी तरह का लगा, और फिर जब हम लोगों ने बाद में देखा तो जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं अभी जो दिनेश हैं, उन्होंने ही स्त्री मूवी को डायरेक्ट किया। बिल्कुल सही बात है, हमने बाद में पढ़ा था। लेकिन अगर मैं इसमें बात कुछ जानवी की तो उनकी मुझे जो
है एक्टिंग काफी अच्छी लगी है. वेल एक्सप्रेशंस तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. अभी मूवी देखेंगे तो आइडिया होगा कि मतलब कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया है. हम लोग को इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है लेकिन हम लोग वैसे मतलब बोल रहे हैं क्योंकि जो मतलब एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो फनी भी है और साथ में हॉरर भी है क्योंकि बेसिकली ये कॉमेडी हॉरर मूवी है. अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राजकुमार राव की तो उनकी जो एक्टिंग है स्त्री में जो थी वो भी बहुत अच्छी थी. और इसमें बात करें तो इसमें भी अगर सीन्स के हिसाब से देखें ना उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया. और जो चूचा जी हैं उनकी उन्हें तो वो फुकरे में भी बच्चों की पड़ी हुई थी. इस मूवी में भी बच्चों की पड़ी हुई है. फुकरे में नहीं और उसमें भी एक और छिछोरे में भी. लेकिन मौसम इसमें हम लोगों ने देखा है. अभी सिर्फ हम लोगों ने मतलब जाह्नवी को देखा है इसमें राजकुमार राव जी को देखा और साथ में हम लोगों ने वरुण को देखा है. जो बाकी कास्ट है वो भी हम लोगों को इसमें इतनी नजर नहीं आई. अभी नहीं नजर आई तो. लेकिन ये कि हाँ मजा आ रहा था देखने का. मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है. जिस तरीके से एक स्त्री मूवी मुझे लगता है कि काफी अच्छी गई थी. ये मूवी मुझे लगता है बड़ी मजे की होगी क्योंकि जो राजकुमार राव का करेक्टर है ना वो मजे का मुझे लग रहा है. जो बाल ऐसे गोल्डन से बनाए हुए हैं. एक बाल भी तो उनके चेंज किए लेकिन अगर उनकी लुक्स भी देखी जाए ना तो ऐसे छिछोरे टाइप लड़के होते हैं ना वो जो गोल्डन बनाए वो जो गली मोहल्ले में बैठे हुए होते हैं आते जाते लोगों को ताड़ते हैं उस तरह के वो लग रहे हैं. और हमें जो मूवी देखनी पड़ेगी मौसम कि आपकी प्रेडिक्शंस कितनी सही हैं. और अगर मैं वरुण की बात करूं तो वरुण तो उनकी वैसी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो हर मूवी में छिछोरे लगते हैं. नहीं वैसे मुझे बहुत क्यूट लगते हैं. नहीं वाकई उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन उनका वो जो एक स्टाइल है ना वो बहुत मजे का है. नो डाउट वो वाकई में बहुत मजे का बड़े वाकई में सपोर्टिव से लगते हैं. मुझे रियल लाइफ में भी ना वो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ना बड़े अच्छे होते हैं दिल के और हमेशा आपका साथ देते हैं. वैसे वाले मुझे वो लगते हैं. लेकिन ये राजकुमार राव सर की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर कि उनकी जितनी भी हम लोग मूवीज देखते हैं वो बहुत डिफरेंट रोल्स में कमी करते हैं उसमें. और जो स्पेशली अगर उनके फेस एक्सप्रेशन देख लें या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें. एक चीज मुझे बड़ी मजे की लगती है मौसम उनके बारे में कि ना वो जो भी करेक्टर करते हैं ना वो वाकई में इतना परफेक्टली उसको करते हैं कि जैसे अगर एक आम आदमी की अगर स्टोरी है ना तो वो लग रहा होता है कि कोई आम आदमी है. नो डाउट इसमें वाकई है कि वो जो करेक्टर करते हैं उसमें डूब जाते हैं. यानी कि जिस तरह वो कह रहे थे ना वाकई लग रहा था कि भाई ये करेक्टर जो है इन्होंने इसी काम के लिए तैयार कर दिया था. और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो स्त्री की अगर बात की जाए स्त्री में तो लिख देते थे ना दीवार पे आज कोई नहीं कल लाना. तो यहाँ पे तो अब डायरेक्ट वो शादी से उठा के ले जाती है. तो अब देखते हैं कि कैसे जान छुड़ाते हैं इसे. बाबे भी बीच में आए थे. बाबों को भी उठा के फेंकेंगे. बट वैसे मैं सोच रही थी मौसम दोनों में एक चीज कॉमन थी उसमें भी चुड़ैल थी और इसमें भी चुड़ैल है. मतलब औरत इतनी बड़ी चुड़ैल है क्या. अब क्या कह सकते हैं ये अब औरतें ज्यादा बेहतर जानती हैं. उंगलियां बराबर नहीं होती मैं बस यही कह सकती हूँ. एनीवे गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो. आपको कैसा लगा ये ट्रेलर जरूर बताइएगा और आपको कितना इंतजार है इस मूवी का ये भी जरूर बताइएगा. और इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स. गुड बाय.